हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष व्यक्ति पर जो पूरे महाभारत के प्रसंग में इतना बल और सबका प्रदर्शन करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से भी उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। कथा आती इस प्रकार से वर्णन है कि एक बार घटोत्कच जो भीम के पुत्र थे वे जाते हैं मऊ राजा के राज्य में। दानव थे और मऊवती से विवाह करते हैं और मऊवती से उनको संतान प्राप्त होता है बर्बरिक। तो ये बर्बरिक बहुत ही शक्तिशाली था बचपन से और अनेक अनेक प्रकार के कार्य किया करता था जो साधारण बालक को करना लगभग असंभव है। ऐसे परिस्थिति में ये बर्बरिक इतना शक्तिशाली था और माता ने उनको एक ज्ञान दी थी, जो भी कमज़ोर है, जो भी व्यक्ति हार रहे हो, उनकी सहायता करने की आवश्यकता है और सदैव आप उनके बाजू में ही लड़ो। और उनको तपस्या कराने में लगाते हैं आदिशक्ति की, और आदिशक्ति की तपस्या करने के बाद आदिशक्ति देवी प्रकट होती है और उनको कहती है कि आपको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए, पुत्र मांगो। तो फिर वो उनको कहते हैं कि मुझे शक्तिशाली बाणों की आवश्यकता है जिससे कि मैं अपनी माता को दिए वचन को पूर्ण कर पाऊँ और जितने भी लोग लड़ाई में कमज़ोर पड़ेंगे, जितने भी लोग कम पड़ेंगे लड़ाई में, उनकी मैं सहायता कर पाऊँ। इस बात को सुनने के बाद उनको तीन बाण दिए जाते हैं और ये तीन बाण बहुत ही शक्तिशाली थे। बाद में अग्निदेव को प्रसन्न करने के बाद अग्निदेव उनको एक धनुष बाण देते हैं जो कि बहुत शक्तिशाली था, जैसे अर्जुन का गांडीव है वो स्तर का नहीं, परंतु ये भी कुछ कम नहीं था। और फिर उसके बाद बर्बरिक अनेक अनेक तप करके, शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करके, फिर उन्हें पता चलता है कि किस प्रकार से उनके जो दादा है भीम और जो पांडव है वो युद्ध लड़ रहे कौरवों के साथ, तो उनकी सहायता करने के लिए वे विचार करते हैं कि मैं जाकर उनकी सहायता करने की मेरी इच्छा है, तो क्यों ना इस महत्वपूर्ण कार्य में मैं साथ दूं। और ऐसे विचार करने के पश्चात वो उस दिशा में जा रहे थे और अपने नीले रंग का घोड़ा उस पर सवार होकर वो जा रहे थे, तो उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वो चाहते थे कि जितने भी योद्धा है, जितने भी लोग हैं, वो पांडवों के बाजू से लड़े, पांडवों के प्रतिनिधित्व करें और पांडवों के पक्ष में आकर लड़े, क्योंकि धर्म की स्थापना करना चाहते थे। महाभारत युद्ध का लड़ाई केवल पांडव कैसे कौरवों पर विजय प्राप्त करेंगे इसलिए नहीं था, ये लड़ाई थी दानवों, आसुरी वृत्ति और जो दैविक वृत्ति है, जो देवता है, उनके बीच। मैंने आपको पिछले ही इसमें बताया कि दुर्योधन किस प्रकार से कली का एक अंश का अवतार था, दानवों को प्रतिनिधित्व करता था। तो कृष्ण ने पूरे, आप दशम स्कंद में अगर पढ़ाई करोगे तो इतने सारे असुरों का हत्या किया उन्होंने। कंस हुआ, फिर उसके बाद नरकासुर हुए, फिर अनेक अनेक असुरों का वर्णन है। फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे असुर वृत्ति के राजा कौरवों के साथ जा मिले थे और कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ने के लिए तैयार थे। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से बार्बरिक के पास श्री कृष्ण, देखिए भक्तों के प्रति इतना प्रेम है उनका, ब्राह्मण का वेश लेते हैं और उनके सामने जाते हैं और कहते हैं बार्बरिक रुकिए, तो बार्बरिक को रुकाते हैं। बार्बरिक जो है उनको नतमस्तक करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं ब्राह्मण देव, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो कहते हैं कि मुझको अलग अलग योद्धा ने बताया कि किस प्रकार से इतने इतने दिनों में वो युद्ध की समाप्ति कर सकते हैं, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप कितने समय में करोगे। तो अपने शक्ति द्वारा उत्तेजित होकर अति आत्मविश्वास के कारण बर्बरिक कहता है कि मैं कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता हूँ। फिर कृष्ण कहते हैं इतने महान महान योद्धा है पांडवों में और कौरवों में और आप कहते हो कि कुछ ही क्षण में कर दोगे, कैसे। तो कहते मेरे पास दिव्य बाण है और इस दिव्य बाण को सर्वप्रथम पहला बाण मारकर मैं सभी जो सेना है उन सबको मार कर सकता हूँ। फिर उसके बाद एडिट करते हुए जिन लोगों की हत्या नहीं करनी है उनको मैं उससे माइनस कर सकता हूँ। और फिर तीसरे बाण से मैं जिनको मारना चाहता हूँ उसको पूरा परास्त कर सकता हूँ, वध कर सकता हूँ, हत्या कर सकता हूँ उन सब योद्धाओं की। तो उन्होंने कहा इस प्रदर्शन करके दिखाओ मैं कैसे मान लूँ आपकी इस बात को। तो कहते ठीक है ब्राह्मण देव, आप कहिए क्या करना चाहिए मुझको। तो पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे, वो कहते हैं कि पीपल के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ।
तो अलग अलग वर्षन में अलग अलग कथाएं हैं। ये बर्बरिक की जो कथा है शिल वेदव्यास के महाभारत में नहीं है। तो ये जो भी फोक टोल्स टेल्स है, जो भी लोक प्रमाण से जो ज्ञान हमको अर्जित हुआ है उसके ऊपर बता रहे, इनका कथा बताने का मुख्य उद्देश्य है कि इससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे जो भी कथाएं हो वो अगर शास्त्रों में या मेन शास्त्रों में भी ना हो, परंतु उनका मूड एंटी भक्ति नहीं है, एंटी वैदिक नहीं है, विरोध में नहीं है भक्ति का, वेद के और शास्त्रों का और धर्म का, तो हम उससे सीख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे वो कहते हैं कि एक वर्जन में इस प्रकार से है कि पीपल के जितने भी पत्ते सबको भेद कर दिखाओ, तो अपने बाण को मारते हैं और सभी पत्तों में भेदता जाता है और कृष्ण के पाँव के आसपास आकर वो धनुष बाण घूमने लगता है। फिर कृष्ण की ओर बर्बरिक देखते हैं, बर्बरिक कृष्ण की ओर देखते हैं और कहते हैं, तभी ब्राह्मण के रूप में, तो हे ब्राह्मण देव, अपने चरणों के नीचे अगर आपने कोई पत्ता रखा है तो निकाल दीजिए, नहीं तो आपको चरणों को भेद कर दे गए हो। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों को उनके इच्छा के अलावा कोई भेद नहीं सकता है, परंतु देख रहे थे कितना शक्तिशाली है वो, तो जैसे पाँव हटाते उस पत्ते को जाकर लग जाता है और वो देखते हैं कि सभी पुत्तों को एक साथ भी कर लेते हैं और इससे बाण वापस आके उनके तरकश में जाता था, वेश भी नहीं होता था। तो तीन जो बाण हैं उनके कभी ऐसा नहीं कि बाण मार दिया तो समाप्त हो गया, तीनों बाण वापस तरकश में आते थे। तो इतने शक्तिशाली ये बर्बरिक थे, तो इनका करना क्या है विचार कर रहे थे कृष्ण। फिर कृष्ण कहते हैं कि मुझे आपके आपसे कुछ दान चाहिए, तो भिक्षा मांगते हैं। तो भिक्षा मांगने पर कृष्ण विचार करते हैं कि क्या मांगू, तो कृष्ण उनको कहते हैं कि आपका शीश मुझे दे दो। तो बहुत चकित हो जाते हैं, दुखी हो जाता है बर्बरिक। बर्बरिक विचार करता है शीश दे दो, परंतु उन्होंने वचन दे दिया है। तो वैदिक सभ्यता में वचन का बहुत महत्व होता था और वो पांडवों के वंश के थे, भीम के पोते थे, घटोत्कच के पुत्र थे, तो इस जो उन्होंने कही हुई बात है उसको कैसे नकार दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, परंतु वो कहते हैं कि आप मूल स्वरूप में आए। तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश को छोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप जो है शंख चक्र गदा पद्म वाला रूप दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। उस रूप को देखकर बर्बरिक बहुत प्रसन्न होता है। बचपन से उसकी एक मनोकामना थी, एक इच्छा थी, एक अभिलाषा था मन में, कृष्ण भगवान को देखना चाहता हूँ। उस इच्छा की पूर्ति होते हुए देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे जो बर्बरिक है। और फिर वो कहते हैं ठीक है प्रभु, जो आपकी इच्छा। और परम बलिदान, इतना महान बलिदान देते हैं, अपने शीश को काट कर, क्योंकि योगी थे फिर भी जीवित थे, और शीश को उनके हाथ में देते हैं। फिर वो कहते हैं, शीश उनको कहता है कि मेरी एक इच्छा थी, इस युद्ध को देखने की इच्छा है। फिर एक बड़े से पहाड़ पर उनको रख देते हैं उनके शीश को, और 18 दिन लगातार युद्ध देखता है शीश। और वो जो बर्बरिक है वो बीच बीच में आवाज़ भी करते थे और कहते थे बहुत बढ़िया अर्जुन, उत्तम उत्तम भीम, और मारो इन शत्रुओं को, मार दो इन पापियों को, दुष्टों का संहार कर दो। इस प्रकार से खुद उत्तेजित भी होते थे, और कुछ प्रसंगों के अनुसार और कुछ कथाओं के अनुसार इस प्रकार से पूरे युद्ध होने के बाद जब पांडव लोग उनके पास जाते हैं तो पांडवों को पूछा जाता है कि कौन कौन व्यक्ति चर्चा करते, कौन मुख्य व्यक्ति था जिसके कारण हम युद्ध जीते। कोई कहता है अर्जुन, कोई कहता है भीम, कोई कहता है ये, कोई कहता है द्रुपद, कोई कहता है धृष्टद्युम्न। परंतु जब कृष्ण उनके बर्बरिक के पास लेके जाते तो बर्बरिक कहते हैं कि केवल और केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र मुझे दिख रहा था पूरे युद्ध भूमि पर, वे आपकी रक्षा कर रहे थे पांडव, इसलिए या जो उनके ज्येष्ठ थे तो उनको हाथ जोड़कर बर्बरिक, या हाथ नहीं, नम्रतापूर्वक उन्होंने कहा कि बर्बरिक ने कहा कि किस प्रकार से आप की रक्षा कर रहे थे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इसलिए आप अभी तक जीवित हो। तो हम देखते हैं कि बर्बरिक को श्री कृष्ण भगवान पुनः उनके शरीर से जोड़ देते हैं और इस प्रकार से उनको युद्ध देखने का मौका मिलता है और बर्बरिक वहाँ से जाते हैं। तो इस बर्बरिक को बहुत प्रसिद्ध है ये राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में, और ख़ास करके एक गांव है जो सीकर जिला राजस्थान में आता है और वो उसका नाम है खटू गांव। तो खटू गांव के पर्वत पर ये शीश रख कर निरंतर वो पूरा युद्ध देख रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान का, इसलिए वो गांव में बहुत ही सुंदर खटू श्याम मंदिर का निर्माण किया गया है। फाल्गुन के महीने में द्वादशी में एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है जहाँ पर एक श्याम कुंड नाम का कुंड भी है, जैसे राधा कुंड श्याम कुंड वृंदावन में है, वो कृष्ण श्याम कुंड नहीं, कृष्ण के कारण इनको नाम, क्योंकि महान भक्त थे कृष्ण के, तो उनको खटू श्याम करके एक नाम मिलता है और बहुत प्रसिद्ध है।
तो हमने कटुश्याम ये शब्द का पहली बार उल्लेख या पहली बार कान सुना और जाना जब हम भिवंडी में प्रचार के लिए एक दिन गए थे, तो तड़ाली के क्षेत्र में पाइपलाइन के रोड पर ये मंदिर को हमने देखा और हमने कहा कितना लाइटिंग वगैरह लगाया, जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है क्या? वो कहते नहीं, यहाँ पर जो कटुश्याम का मंदिर है। तो मैंने कहा कटुश्याम क्या होता है? तो पहली बार मैंने जाना उनके मुख से कि ये बर्बरिक का वर्णन किया गया और इस बर्बरिक का अलग अलग नाम है। तो उनमें से एक नाम है कि तीन बाणधारी, उनके असु तीन बाण थे और ये तीन बाण हम देखते हैं कि अन्य नाम उनके ऐसे थे शेष के दानवी या शेष को उन्होंने दान में दिया। फिर एक नाम है हारे का सहारा, जो हारेंगे उनका मैं साथ दूंगा। और फिर एक नाम था उनका लख दातर, लोकल भाषा में कहा जाता है जो व्यक्ति सेवा करने के लिए और दान देने के लिए तैयार है। और लीला का अश्वार, लीला के अश्वार का अर्थ है जो लीला नाम के पास उनका नीला कलर का घोड़ा था और बहुत शक्तिशाली था उनके सवारी करने वाला। फिर खट्टू नरेश, वो खट्टू जो जगह है उसके राजा। फिर एक नाम है श्याम प्यारे, प्रभु श्री कृष्ण के प्यारे। फिर एक नाम है उनका बलिया देव। अब ये बलिया देव नाम कहाँ से है? ये बलिया देव गुजरात में कर्णावती जिला में लंभल नाम का एक गांव है, वहाँ पे बलिया देव करके माना जाता है। उनका ये मानना है गुजरात उस वर्ग के लोगों का कि यहाँ पर वो प्रकट हुए और वे ये बलिया देव माने देवताओं की सभी शक्ति इस व्यक्ति में है और बहुत शक्तिशाली है। फिर एक उनका नाम है कि मोर छड़ीदारी, तो उनके पास एक छड़ी था जो पूरे मोर के पंखों से बना था। फिर श्याम बाबा भी उनको कहते हैं। फिर बारिश का देवता करके बहुत प्रसिद्ध है और कहाँ पर? ये करुंगा करके स्थान है मंडी जिला में हिमाचल प्रदेश में। और ये मानते हैं कि यहाँ हिमाचल प्रदेश के लोग इनकी पूजा करते हैं, उससे वर्षा उनको प्राप्त होती है। और नेपाल में यलंबर नाम से बहुत प्रसिद्ध है और ये पूजा होती है, यलंबर नाम के इनको देवता कहा जाता है और नेपाल के खटमंडू वैली में इनकी पूजा की जाती है। कुछ लोग की मान्यता ये भी है कि वो एक यक्ष थे और यक्ष जब देवता लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं या श्री रुद्राक्षाई विष्णु के पास और क्षीर सागर के तट पर जाने के बाद प्रार्थना करते हैं, पुरुष सुक्त प्रार्थनाएं करते हैं और ऐसा विचार करते हैं कि भगवान अभी अवतरित हो गए, तब उस क्षण एक यक्ष कहता है कि कृष्ण को जाने की, भगवान को जाने की आवश्यकता नहीं, मैं ही सबको मार दूंगा। एक प्रसंग ऐसा भी एक लोक कथा में, और वो यक्ष जन्म लेता है कटुश्याम के रूप पर या बर्बरिक के रूप में। और हम देखते हैं कि इतना त्याग और ये सब का शौर्य का प्रदर्शन किया। इस कथा वेदव्यास के महाभारत में कहीं वर्णन नहीं है, परंतु इससे हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित भावना में अपने शीश को देने के लिए भी शरणागत हुए। और इस पूरे महाभारत में हम देखते हैं कि साधारणतः कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में दुर्विचार कर सकता है, गलत अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि अर्जुन को मदद करने के लिए उन्होंने एकलव्य को बाजू किया। हमने एकलव्य के आप एपिसोड में क्लियर कट आपको समझाया कि किस प्रकार से, एक तो वो जरासंध की सेना के थे, जरासंध नरभक्षक था, जरासंध दानव था और उनके हिरण्यधेनु उनके सेनापति थे। और कृष्ण पर जब आक्रमण किया जाता है मथुरा पर, जरासंध के सेना में मुख्य व्यक्ति थे एकलव्य और वहाँ पर वो मारे जाते हैं। तो इस प्रकार एकलव्य का अंत हुआ दुष्ट का। और ये हमको समझना है कि एकलव्य के पास क्षमता थी, कला थी, सब कुछ था, परंतु चारित्र जो क्षत्रियों के लिए चाहिए वो नहीं था, इसलिए उनका रिजेक्शन हुआ द्रोण द्वारा। तो ऐसा नहीं कि द्रोण सहायता करना चाहते थे केवल अर्जुन का, अर्जुन को बनाना चाहते थे, पर एकलव्य अगर लड़ते भी रहते तो अर्जुन से श्रेष्ठ होंगे ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, किधर रिकॉर्ड नहीं है। फिर हमने देखा कि कर्ण के संदर्भ में हमने चर्चा की और डीप में बताया कि किस प्रकार से कर्ण, और कर्ण के संदर्भ में हम देखते हैं कि सदैव हमको लगता है कि पांडवों ने उनके प्रति द्वेष किया, कुंती ने उनके साथ अन्याय किया, पर ऐसा है नहीं। हमने उनके प्रसंग में भी कैसे देखा कि कर्ण ने जो अपने वचन दिया था दुष्ट दुर्योधन को, उसको पालने का ज़्यादा महत्व समझा, हालांकि जो शब्द कृष्ण ने उनको समझाने का प्रयत्न किया, सूर्यदेव ने समझाने का प्रयत्न किया, कुंती, नीति, नियति सब ने प्रयास किया, उन्होंने उस बात को माना नहीं और दुष्ट दुर्योधन का ही साथ देते रहे। और इस प्रकार से अभिमन्यु का जिस प्रकार से उन्होंने वध किया,
उसलिए उनका अंत निश्चित था और वो कर्ण मारे गए। पांडवों को उनके प्रति प्रीति थी, इससे कोई द्वेष नहीं था, ये कैसे पता चलता है? युद्ध के बाद जब कुंती महारानी बताती है कि कर्ण आपके, कर्ण भी कौनते है, राधे नहीं है वो कौनते है, तो युधिष्ठिर महाराज अपनी माता को कहते हैं कि आपने ये सब राज हमसे क्यों छुपाया? और फिर अर्जुन कहते कि इन हाथों से मैंने उनको मारा। और अर्जुन उनके एक ही पुत्र बचे थे कर्ण के, तो कर्ण के पत्नी और पर्सनल जो उनके बच्चों को छोड़कर अन्य लोगों का वर्णन इतना डिटेल में नहीं है वेदव्यास के महाभारत में, परंतु बाकी सब रेंडिशन से, बाकी सब अनेक अनेक शास्त्रों से हमको पता चलता है कि उनके दो प्रमुख पत्नियां थी, एक तो जो चित्रसेन करके छात्र जो सारथी थे उनकी जो पुत्री थी उनका नाम था वृषाली, तो वृषाली से विवाह होता है उनका, और फिर एक सुप्रिया करके उनकी पत्नी थी। 9 पूरे संतान थे, 3 प्रमुख थे, बाणसेन, वृषसेन, वृषकेतु। बाणसेन का वध करते हैं अर्जुन और वृषसेन का वध करते हैं युद्ध में भीम, और वृषकेतु केवल युद्ध में रह जाते हैं क्योंकि युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वृषकेतु को राजा घोषित करते हैं इंद्रप्रस्थ का, और बाद में उनको अंग प्रदेश का भी राजा बनाते हैं। अर्जुन पर्सनली ट्रेन करते हैं वृषकेतु को, तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे कर्ण के प्रति कोई द्वेष नहीं था, केवल और केवल कर्ण ने जो दुष्ट लोगों का साथ दिया तो उनका वो ऐसा अंत होना ही था। और कर्ण भी ये कहते हैं कृष्ण को कि मैंने दुष्ट का साथ दिया है परंतु बहुत दूर निकल गया हूँ, पीछे आने का कोई मार्ग नहीं, कृष्ण मुझे क्षमा कर दो। मुझे पता है कि युधिष्ठिर महाराज कुंती को भी कहते हैं कर्ण कि युधिष्ठिर को बताऊँगा तो मुझे राजा बना देंगे। तो हमारे जीवन में शब्दों का महत्व होना चाहिए, पर सबसे बड़ा शब्द क्या है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द सबसे बड़ा है। और भगवान जब आपको आकर कह रहे हैं कि इस मार्ग पर आ जाओ, तो आपको अपना शब्दों का इतना मोल नहीं बनाना चाहिए था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण महाभारत के सभी प्रसंगों में पांडवों की रक्षा करते रहे, और कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में भी कहती है कि कैसे बचपन से लेकर जीवन के अंत, वो जहाँ हस्तिनापुर से जब रिटर्न जा रहे थे द्वारका तक, सभी वर्णन किया उन्होंने कि हर क्षेत्र में लक्षागर ग्रह का हो या अन्य प्रकार से द्रौपदी की रक्षा हो, फिर युद्ध में रक्षा किया हो, या उनके उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा करने की बात हो, कृष्ण सदैव भक्तों की रक्षा करते रहे और सदैव पांडवों का साथ देते रहे। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अब ये पूरे लीलाओं से बहुत लोगों का चित्त आकर्षित कर चुके थे, अपने लीलाओं से वृंदावन के वासियों को, द्वारका वासियों को, वृष्णि वासियों को, यदु वासियों को, सबको आकर्षित कर चुके थे, और बहुत लोगों ने शुद्ध भक्ति के स्तर पर गए थे क्योंकि भगवान का साक्षात दर्शन और लीला में सहभागी होने का उनको इतना बड़ा सुनहरा मौका मिल रहा था। परंतु हमको एक और बात समझने की आवश्यकता है, दुष्ट दुर्योधन भी देख रहे थे, कर्ण भी देख रहे थे, बाकी सब लोग शकुनी भी देख रहे थे कृष्ण को, पर भक्त नहीं बन पाए। इसलिए भगवान का अगर दर्शन करना है तो उनके मुख के दर्शन को तो हम कर ही सकते हैं, परंतु उनके शब्दों को सुनना, शास्त्र को सुनना, और उनके मुखारविंद से निकला हुआ दिव्य शास्त्र है भगवद गीता। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने 5200 वर्ष पूर्व ये दिव्य गीत गाया था उन्होंने, और 1 घंटे 45 मिनट या 1 घंटे के बीच उन्होंने ज्योतिसर में कुरुक्षेत्र के मैदान में ये दिव्य ज्ञान अपने परम भक्त श्री अर्जुन को दिया, और उस ज्ञान को उनकी दया के रूप में, क्योंकि बाकी लोग जितने लोगों को लीला समझ में आया उनको तो कृपा मिल गया, पर आने वाले जो भी लोग हैं उनको कैसे कृपा प्राप्त होगी, उनका कैसे उद्धार होगा? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस बात की चिंता कर रहे थे, और इस बात की चिंता करते हुए उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, या श्रीमद् भगवद गीता उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य संदेश दिया अर्जुन को। और हम देखते हैं कि भगवद गीता पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्षों से लोगों को प्रेरणा दे रही है, हर क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रेरणा दे रही है। महात्मा गांधी को प्रेरणा देती थी जब वो चिंतित होते थे, विचलित होते थे, फिर आइंस्टाइन को प्रेरणा दी थी, ओपेनहाइमर जो न्यूक्लियर बॉम्ब के निर्माता है, एटम बॉम्ब के, उनको प्रेरणा दिया, फिर राल्फ वाल्ड एमर्सन जो स्कॉलर है वो कहते हैं कि रोज मैं गीता के इसमें ज्ञान में स्नान करता था। और हम देखते हैं कि कितने कितने सारे लोगों को भगवद गीता, हमारे सभी आचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, फिर ज्ञानेश्वर महाराज महाराष्ट्र के, उसके सिंपल भाषा में ज्ञानेश्वरी लिखा उन्होंने, तुकाराम महाराज, इन सभी लोगों ने गीता का अध्ययन किया है, श्री चैतन्य महाप्रभु और बलदेव विद्याभूषण, तो अनेक अनेक आचार्यों ने इसके ऊपर
थोड़ा थोड़ा अपना टीका कहा है, और इस प्रकार से हम जानते हैं कि कैसे भगवद गीता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी महाभारत विजडम सीरीज का अंत हम यहाँ पर करते हैं, और गीता विजडम सीरीज में आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि गीता का पान करने के लिए आ जाइए। और शंकराचार्य और अन्य आचार्य सभी लोग कहते हैं कि गीता कैसे महान ग्रंथ है, और जिस ग्रंथ सभी वैदिक शास्त्रों का सार है भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है भगवद गीता। हरे कृष्णा।